ना, ठंड थोड़ी कम हो गई है और हम करना चाह रहे हैं मस्ती भी, पर हमें करनी पड़ रही है पढ़ाई, राइट। खेलना बहुत अच्छी बात है, पर आपने करनी है साथ साथ ढेर सारी पढ़ाई। अच्छा, तो जल्दी से मुझे बताइए कि हमने पिछली वीडियो में क्या किया था। यस, हमने सीखा था छोटी ओ की मात्रा को सभी व्यंजनों के साथ लगाना, और छोटी ओ की मात्रा कहाँ लगती है, और जब वो किसी व्यंजन के साथ लगती है तो उसकी आवाज़ बदलकर क्या हो जाती है, कैसे लगती है, ये सब हमने पिछली वीडियो में सीखा था। तो आज हम सीखेंगे छोटी ओ की मात्रा के दो वर्णों के शब्द, ठीक है। तो आपने करना क्या है, मैम ने आपके लिए बना दी है पिक्चर्स, सिर्फ आपने पिक्चर्स को देखना है, उसको देखकर सोचना है कि इसका क्या नाम है, और जैसे हम बोलेंगे वैसे ही हम लिखेंगे। तो देखते हैं हम इसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहले देखिए क्या है ये, टोपी। क्या है टोपी? पहनते हैं ना आप लोग टोपी, तब कैसे बोल रहे हैं आप इसे? टोपी। मात्रा सुनो कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी आ रही है। टोपी, ई। ट को आ रही है ओ की मात्रा और प को ई, बड़ी ई की मात्रा। दो वर्ण यहाँ पे यूज हुए हैं ट और प, उन पर मात्रा कौन कौन सी लग रही है यही हमने बोल कर सुनना है, ठीक है। चलिए लिखते हैं, क्या है ये? टोपी। ट को लगी ओ की मात्रा टो, और प को लगी बड़ी ई की मात्रा, क्या बन गया? टोपी। क्या बना? टोपी, राइट। अगला क्या है ये? रुपीज। कौन सा रुपीज? 50 रुपीज। अच्छा, इसको आप हिंदी में क्या बोलेंगे? क्या है इसको, क्या है ये? नोट। क्या है? नोट। 50 का नोट होते हैं ना, तो ये 50 का नोट है, ठीक है। आप लिखेंगे कैसे? नोट। न पे लगे ओ की मात्रा और ट पे कोई मात्रा नहीं, तो लिखिए नोट। नोट क्या बन गया? नोट है ना, इसी जैसा बोल रहे हैं वैसा लिख रहे हैं, हमने इसमें कुछ भी अलग नहीं करना है, जैसा जैसा बोलना है वैसा वैसा लिखना है, बस आपने क्या करना है ध्यान से सुनना है कि हम कैसे बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगला क्या है ये? ढोल। क्या है ये? ढोल। कैसे लिखेंगे? देखिए, ढ को लगी ओ की मात्रा, ढो। ढो, ढ से ढक्कन तो मालूम है, ढो, और लिखेंगे ल, बन गया ढोल। जैसा बोला वैसा लिखा, ल पे कोई मात्रा नहीं आ रही है तो हम नहीं लगाएंगे, और ढ पे आ रही है ओ की मात्रा तो हमने ओ की मात्रा लगा दी, ढोल। ये क्या है? सर्दियां चल रही है, आप भी डालते हैं, क्या डालते हैं? कोट। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना है, क्या लिखना है? कोट। को, क पे ओ की मात्रा को और ट, कोई मात्रा नहीं, यहाँ पर सिर्फ एक की मात्रा लगेगी, किस पे लगेगी? क पे। कैसे लिखेंगे? कोट। क्या बन गया ये? कोट, ठीक है। ये क्या है, समझ नहीं आ रहा? ये छोटे 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 मोती है। क्या है ये? मोती। कैसे लिखेंगे? मो। अब आप बताइए क्या हुआ? यस, मो। म को की मात्रा लगी मो ती, त पे बड़ी की मात्रा ती, मोती। देखिए कैसे लिखेंगे? म को लगी ओ की मात्रा मो, और त पे लगी बड़ी की मात्रा, तो क्या बन गया? ती, मोती, ठीक है। क्या लिखा हमने? टोपी, नोट, ढोल, कोट और मोती। अच्छा, जैसे हम चित्र को देखकर लिख रहे हैं वैसे ही हमने जैसा लिखा है उसको पढ़ना है। ट पे ओ की मात्रा है तो क्या पढ़ेंगे? टो, और प पे बड़ी की मात्रा है तो क्या पढ़ेंगे? पी, टोपी, ठीक है ना। तो अब ये देखिए, ये क्या है, किसकी पिक्चर है ये? यस, मोर। बहुत इजी हो गया, दूसरे पे कोई मात्रा नहीं लगेगी, सिर्फ लगेगी म पे, म पे कौन सी मात्रा लगेगी? ओ की। क्या बन गया? मोर। क्या बना? मोर। देखिए कैसे लिखेंगे? म पे लगी ओ की मात्रा मो, और र। क्या बना ये?
क्या है? मम्मा की रोटी गोल गोल, यह है रोटी। रो रा पे ओ की मात्रा रो टी, ट पे लगी पड़ी ई की मात्रा, तो क्या बन गया? रोटी। ये देखिए रो और टी, ठीक है, रोटी। पीछे देखिए आपको शब्द समझ आ रहे हैं, और शब्दों को हम बोलकर जैसे ही हमारी आवाज आ रही है वैसे ही हम मात्रा लगा रहे हैं, तो वो हमारे शब्द बन जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया हमने लिखना कैसे, रीडिंग कैसे करनी है, ठीक है। देखिए टोपी, जैसी मात्रा है वैसे ही रीडिंग करेंगे। टोपी, नोट, क्या है? नोट। अगला क्या है? ढोल, क्या बना? ढोल, राइट। कोट, क्या है ये? कोट। मोती, मोती, राइट। फिर क्या है? मोर, मोर। तोता, तोता। घोड़ा, क्या है ये? घोड़ा। और है रोटी, क्या बन गया? रोटी, राइट। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया है हमने मात्रा जैसा बोला है वैसे ही लिखना है, मात्रा वैसे ही बिल्कुल लगेगी, सिर्फ हमने ध्यान रखना है कि हमारी आवाज कैसी आ रही है। जैसी आवाज आएगी वैसे ही हमने उसको लिख देना है, क्योंकि हमें मात्रा आ गई है, ठीक है ना। तो बस आपने करना क्या है, इसको लिखने की प्रैक्टिस करनी है, इसको रीडिंग करने की प्रैक्टिस करनी है। एक बार फिर से मैं यही बात कहूंगी कि मैक्सिमम रीडिंग आपने करनी है, जितनी ज्यादा आप इसकी रीडिंग करेंगे, जितनी ज्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ज्यादा आपको अच्छे से ये मात्रा आ जाएगी। तो देर किस बात की है, आप करिए ओ की मात्रा के दो वर्णों के शब्द। अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगी ओ की मात्रा के